हे फूड लवर्स, मैं रिचा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ गर्मियों की मोस्ट पॉपुलर रेसिपी आम पन्ना लेके आई हूँ। कच्चे आम की इस समर ड्रिंक को मैंने थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाया है, जिससे कि इसका टेस्ट 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गैस ऑन करके इसको एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे। अब इसके ऊपर एक स्टील की जाली रखकर आम को हम भून लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आम ले लिए हैं। इन कच्चे आम को मैंने अच्छी तरह से धो के पोंछ के गैस पे रख दिया है। फ्रेंड्स, मैं इसी ट्विस्ट की बात कर रही थी। जनरली लोग आम को उबाल कर इसका पन्ना बनाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे भून के इसका पन्ना बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आम को हमें चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक हमारे आम भुन रहे हैं, तब तक मैं 1 चम्मच सौंफ को थोड़े से पानी में 10 मिनट भीगने के लिए छोड़ दूंगी। आम को भूनने से इसका एक सौंधा सा टेस्ट आता है, जो इसके पन्ने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं कि हमारे आम की स्किन ब्लैक हो चुकी है, तो आम हमारा भुन चुका है। अब इन आम को हम एक प्लेट में निकाल के इनका छिलका उतारेंगे। तो सबसे पहले ये आम के ऊपर का पार्ट हम चाकू से निकाल कर अलग कर देंगे। आम के इस ऊपर वाले पार्ट में थोड़ी सी कड़वाहट रहती है, तो इसे निकालना ज़रूरी रहता है। अब मैं इन आम के छिलकों को ऐसे हाथ से ही निकाल लूँगी। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। मैंने यहाँ दोनों आम के छिलकों को निकाल दिया है। अब हम एक चाकू या चम्मच से इस आम के सारे पल्प को निकाल देंगे और इसकी गुठली अलग कर देंगे। ये देखिए, मैंने दोनों आम के पल्प को एक प्लेट में निकाल के अलग कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा मैश कर देंगे। अब हम पन्ने के लिए मसाले भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा और 7 से 8 काली मिर्च ले ली है। मसाले को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में इन मसालों को डाल दिया है। अब हम एकदम लो फ्लेम पर इसे 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें मसालों को बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। 1/2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे मसाले का कलर एकदम चेंज हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ करके मसाले को तुरंत ही पैन से हटा लेंगे। अब हमें इस मसाले को ग्राइंड करना है, तो यहाँ पे मैं ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लूँगी। हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है। अब हम एक जार में इस मैंगो पल्प को डाल देंगे और साथ में ही मसाले को भी ऐड कर देंगे। मैंगो पल्प और मसाला डालने के बाद हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐसे छोटा छोटा काट के ऐड कर देंगे। अब हमने जो सौंफ भिगो के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे और सारी चीजों का एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस पेस्ट में मैंगो पल्प और केवल मसाले ही हैं, तो इस पेस्ट को हम 10 से 15 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब हम इस पेस्ट में पुदीने की पत्तियां मिला देंगे। तो ये मैंने फ्रेश पुदीने की पत्तियां इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें नमक को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक का यूज कर रही हूँ और 1 छोटा चम्मच हम काला नमक ऐड कर देंगे। दोनों नमक मिलाकर ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच काला नमक भी ऐड कर दिया है। अब हम आम की खटास को काटने के लिए थोड़ी सी चीनी भी ऐड करेंगे।
बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे एक छोटा चम्मच चीनी को ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस कर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। इस पेस्ट को भी हम 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपका पन्ना पीने का मन करे, 2 से 3 चम्मच पल्प में थोड़ा सा पानी ऐड करके आप पन्ने को क्विकली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम आम पन्ने को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लास में आइस क्यूब्स को डाल देंगे। आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद हमने जो मैंगो का पल्प बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच पल्प को ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ऊपर से पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने चिल्ड वाटर यूज किया है। अब हम सारी चीजों को एक बार स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मैंने पुदीने के पत्ते से गार्निश कर दिया है। तो ये हमारा चटपटा मैंगो पन्ना बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट मैंगो पन्ना बनकर तैयार हो चुका है। आप इस तरह से एक बार मैंगो पन्ना बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो आप सब भी गर्मियों की ये शानदार ड्रिंक बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आम पन्ना ड्रिंक चटकारेदार और लाजवाब तो होती है, साथ ही साथ गर्मियों में हमें लू से भी बचाती है। आई होप मेरी ये रोस्टेड मैंगो पन्ना की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोज की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसी तरह नई नई रेसिपी रोज ट्राई करते रहिए और खुश रहिए। और मैं मिलती हूँ आप सबको अपने नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।